जन सुनवाई थी उसमें वैसे तरकीब से गाड़ियां खड़ी नहीं की, तो जो गाड़ियां वैसे नो पार्किंग में यहाँ खड़ी कर दी है उनको हटा रहे हैं। जी श्रीमान एसपी साहब ने आदेश फरमाया था कि एसपी साहब के ऑफिस में और कलेक्टर साहब के ऑफिस में गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी कर दी, तो साहब ने आदेश फरमाए, उनके आदेश अनुसार जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको हटा रहे हैं और क्रेन से बाहर क्रेन से ले जाई जा रही है और हमारा वैसे ट्रक आ रहा है और ट्रक से वैसे टू व्हीलर ले जाए जाएंगे। जय हिंद। अच्छा ये बताया भाई साहब, पिछले लंबे समय से आए दिन इस तरह की कार्रवाई होती फिर भी गाड़ियाँ यहाँ लग जाती है, कुछ तो अपने यहाँ का स्टाफ है, कलेक्ट्रेट का स्टाफ है, जो हमारे एसपी ऑफिस का जो स्टाफ है वो तो वैसे अनुशासित है तो वो तो ऐसा खड़ा करते नहीं, जो कलेक्ट्रेट में बाहर से आने वाले हैं उनको पता नहीं रहता है तो वो खड़ा कर देते हैं। तो मुख्यालय पर खड़ी आज कोई जन सुनवाई थी उसमें वैसे तरकीब से गाड़ियां खड़ी नहीं की, तो जो गाड़ियां वैसे नो पार्किंग में यहाँ खड़ी कर दी है उनको हटा रहे हैं। जी श्रीमान एसपी साहब ने आदेश फरमाया था कि एसपी साहब के ऑफिस में और कलेक्टर साहब के ऑफिस में गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी कर दी, तो साहब ने आदेश फरमाए, उनके आदेश अनुसार जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं उनको हटा रहे हैं और क्रेन से बाहर क्रेन से ले जाई जा रही है और हमारा वैसे ट्रक आ रहा है और ट्रक से वैसे टू व्हीलर ले जाए जाएंगे। जय हिंद। अच्छा ये बताया भाई साहब, पिछले लंबे समय से आए दिन इस तरह की कार्रवाई होती फिर भी गाड़ियां यहां लग जाती है, कुछ तो अपने यहाँ का स्टाफ है, कलेक्ट्रेट का स्टाफ है, जो हमारे एसपी ऑफिस का जो स्टाफ है वो तो वैसे अनुशासित है तो वो तो ऐसा खड़ा करते नहीं, जो कलेक्ट्रेट में बाहर से आने वाले हैं उनको पता नहीं रहता है तो वो खड़ा कर देते हैं, तो उनको हटाया जा रहा है। ठीक है भाई सर, लगभग सभी गाड़ियों पे कार्रवाई देखे हैं यहाँ पर। जी जी राइट राइट।